करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है तमाम तारीफें मेरे अल्लाब्ज़त के लिए हैं असलैक लिस्टर्स मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ ऑफिशियल मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे जहाँ होंगे खुश होंगे आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प खौफनाक कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे सरसा शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ ये खौफनाक कहानी हमसा शेयर कर रहे हैं हमसा कहते हैं मैं बेसिकली पाकिस्तानी हूँ लेकिन पिछले सत्रह अठारह साल से मैं इटली में रहता हूँ और आज आपके साथ मेरे यहाँ के एक दोस्त की बताई हुई बहुत ही ज़्यादा ड्राउवनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ मेरा एक दोस्त है जिसका नेम रिचर्ड है रिचर्ड कहता है कि यहाँ पर आज से 16 साल पहले एक मेंटल असाइलम हुआ करता था वो मेंटल असाइलम बाहर से मैंने भी देखा है लेकिन वहाँ पर अंदर जाने की हिम्मत मेरी नहीं हुई मेरा दोस्त कहता है कि कभी किसी दौर में ये एक बहुत ही एक बहुत बड़ा मेंटल असाइलम हुआ करता था और, और यहाँ पर दूसरे शहरों से तो क्या दूसरे मुल्कों से भी बहुत से ऐसे मेंटल पेशेंट लाए जाते थे जिनका यहाँ पर ट्रीटमेंट होता था लेकिन एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि मेंटल असाइलम एक खौफ की जीती जागती तस्वीर बन के रह गया यहाँ पर आज से सोलह साल पहले मेरा जो दोस्त रिचर्ड था वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता था वो कहता है यहाँ पर एक दफ़ा एक ऐसी खातून को लाया गया जो कि एक जहनी मरीज़ा थी और उस पर पागलपन के दौरे पड़ते थे उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उसने अपने तीन मासूम बच्चों को जलाकर मार दिया था और उसके बाद वो पागल हो गई थी फिर पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी तो उसको पागल ख़ाने में भेज दिया गया यहाँ पर जब उस औरत को लाया गया उसकी शक्लोसूरत देख कर उसकी दिमागी हालत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो देखने में बहुत ही ज़्यादा ड्राउवनी थी उसका चेहरा उसके बाल उसका गेटअप देख कर ही महसूस होता था जैसे ये कोई आम इंसान नहीं है वो जब हँसना शुरू होती थी वो इतना हँसती थी इतना हँसती थी इतना हँसती थी कि सुबह से शाम हो जाती थी वो नॉन स्टॉप हँसती ही रहती थी उसको डॉक्टर्स इंजेक्शन लगा कर बेहोश करते थे और अगर वो रोना शुरू करती थी तो सुबह से रात हो जाती थी वो रोती ही रहती थी जब तक उसको बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश नहीं किया जाता था उसके साथ भी जिन लोगों को रखा गया था वो भी उससे खौफ सदा होते थे वो उनको भी बहुत ज़्यादा मारती थी उन पर भी तशद करती थी और बेतहाशा बेहानक आवाज़ें निकालती थी उसको एक अलग से कमरे में रखा गया और उस कमरे को रात के वक्त लॉक कर दिया जाता था क्योंकि वो इस हद तक वाइल्ड हो जाती थी जब उसके ऊपर पागलपन का दौरा आता था कि जो उसको ट्रीट करने के लिए जाते थे जो वहाँ पर नर्सिस थी या डॉक्टर्स थे जो वहाँ पर जाते थे वो उन पर भी अटैक करती थी उनको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती थी एक दफ़ा रात की बात है जिस कमरे में उसको बंद किया गया था उसने ज़ोर ज़ोर से उस कमरे के दरवाज़े बचाने शुरू कर दिए कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो वो बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें निकालती थी और अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे पता नहीं वो कमरे की दीवारें तोड़ देगी या क्या होगा तो जो हम लोग ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड थे हम लोगों ने फ़ौर से वहाँ पर रिसेप्शन पर बताया उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर्स को बताया कि उसने बहुत ज़्यादा शोर शराबा बचाया हुआ है और उसके कमरे से बहुत ज़्यादा चीख़ें सुनाई दे रही हैं और वो चीख़ें ऐसी हैं जैसे उससे ज़्यादा वहाँ पर लोग मौजूद हैं वहाँ पर जो रिसेप्शन पर नर्सेस थी उनका ये कहना था कि उसके कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं है लेकिन जब हम लोग उनके साथ उसके कमरे के बाहर गए तो अंदर से इस तरह से आवाज़ें गूंज रही थी जैसे चार से पांच औरतें हैं और वो चिल्ला रही हैं और रो रही हैं कोई उनमें से बोल रही है और कोई उनमें से रो रही है और कोई उनमें से दरवाज़ा खटखटा रही है सब बहुत ज़्यादा डर गए डॉक्टर को बुलाया गया तो जब डॉक्टर ने जैसे ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर का मंजर देख कर सब का दिल दहल के रह गया उस औरत ने अजीब व गरीब कमरे का हुलिया बनाया हुआ था हम लोग नहीं जानते उसके पास ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके साथ वो दीवारों के ऊपर बेताज़ा खौफनाक नक्शे ड्रा करती थी वो ऐसे चेहरे थे इतनी भेनक सुरते थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतने खौफनाक चेहरे ड्रा कर सकता है बकायदा उन चेहरों के हंसते रोते उसने एक्सप्रेशंस भी दिए हुए थे और ज़मीन के ऊपर अजीब वरीब लैंग्वेज भी लिखी हुई थी और ख़ुद वो बाल खोल कर एक कोने में बैठी हँस रही थी सब देखकर बहुत ज़्यादा डर गए डॉक्टर ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कोई किसी बात का जवाब नहीं दे रही थी बस बार बार विंडो की तरफ इशारे किए जा रही थी जैसे ही उसके बार बार विंडो की तरफ इशारा करने पर डॉक्टर्स और नर्सिस ने उस विंडो में झांक कर देखा तो उन लोगों को बाहर भी एक औरत खड़ी दिखाई दी उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था सफ़ेद कलर का लिबास था वो सक, उसके कमरे के बाहर एक दरख्त था जिसके नीचे वो औरत खड़ी हुई थी डॉक्टर्स बड़े हैरान हुए कि ये कौन है जो यहाँ पर खड़ी है जिसकी तरफ ये इशारे कर रही है हम लोगों को फ़ौर से कहा गया कि बाहर जाओ और जाकर देख कर आओ कि ये औरत कौन है जैसे ही हम लोग भागते हुए उस हॉस्पिटल से बाहर आए जब हम लोग उस सड़क के पास पहुँचे तो वहाँ पर वो औरत नहीं थी वो औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी हम लोग नहीं जानते कि आखिर ये क्या माचरा था अब ये रोज़ का मामूल बनने लग गया उसके कमरे में से बहुत ज़्यादा औरतों की चीख़ें सुनाई देती थीं जबकि वो उस एक कमरे में अकेली ही रहती थी हर रोज़ उस, उस कमरे में उन भयानक तस्वीरों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी अब उसके कमरे की दीवार का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ पर पर वो भयानक तस्वीरें ड्रा ना की गई हों वो कहाँ से उनको देखती थी वो कैसे उनको बनाती थी कोई नहीं जानता और उसने वहाँ के कमरे के सारे फर्श भी भर दिए थे जिनके ऊपर वो अजीबोगरीब गरीब लिखती थी जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि उसकी जहनी हालत को किसी तरह से ठीक किया जा सके लेकिन वो दिन दिन उसकी दिमागी हालत बद से बदतर ही होती जा रही थी तकरीबन तीन माह ऐसे ही गुजर गए उन तीन माह में डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की कि उसको सुधार लाया जा सके या उसको ठीक किया जा सके लेकिन उन तीन माह में वो और भी ज़्यादा बीमार और ज़हनी मरीज़ बन गई थी अब तो उसके कमरे में जो नर्सेज जाती थी वो भी खौफजदा होती थी उसका चेहरा दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा भेनक होता जा रहा था फिर एक रात ऐसा हुआ उसके कमरे से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी बस आधी रात को उसके कमरे की तरफ से एक बहुत ज़्यादा ड्रावनी चीख सुनाई दी जब हम लोगों ने जाकर उसके कमरे के बाहर देखा तो कमरा अंदर से बंद था और कमरे की लाइट भी बंद थी हम लोग बाहर आ गए हमें यही लगा कि शायद उसको आदत है चीखे मारने की तो वो वैसे ही चिल्ला रही होगी लेकिन सुबह जब हम लोग वहाँ पर उसके कमरे में पहुँचे उसके कमरे का दरवाज़ा खोला हम लोगों में से एक सिक्योरिटी गार्ड भी नर्सिस के साथ होता था क्योंकि वो किसी भी वक्त किसी पर हमला कर देती थी तो जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी ऐसा मुमकिन ही नहीं था आखिर वो कहाँ जा सकती थी जैसे हम लोगों ने हर जगह पर देखा बेड के नीचे भी देखा वो कहीं मौजूद नहीं थी उसकी खिड़की में जब हम लोगों ने झांक कर देखा तो उसी दर्क के नीचे उसने फांसी ली हुई थी और वो वहाँ पर मुर्दा हालत में लटक रही थी वो कमरे से बाहर कैसे गई उसको कमरे से बाहर कौन लेकर गया और उसने वहाँ पर वो फांसी कैसे ली कोई नहीं जानता डॉक्टर्स को बुलाया गया डॉक्टर जब आए डॉक्टर्स ने जाकर देखा तो वो मर चुकी थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा बेहानक थी उसके पूरे चेहरे को जैसे किसी ने नोचा हो उसके जिसम पर जगह जगह पर इस तरह के निशान थे जैसे उसको किसी ने बहुत मारा और तशद्द किया है बहुत कोशिश की गई कि पता चल सके कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है लेकिन वो चीज़ एक मिस्ट्री बनकर ही रह गई वो जो दिमागी मरीज़ औरत थी वो जो मेंटल पेशेंट थी वो तो मर गई लेकिन उसके मरने के बाद भी वो उस हॉस्पिटल में दिखाई देने लगी जिस कमरे में उसको रखा गया था उसी कमरे में उसके रोने की आवाज़ें रात भर गूंजती थी जबकि उस कमरे में कोई भी नहीं था उस कमरे की लाइट खुद ब खुद रात को जलने लग जाती थी और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे उस कमरे को अंदर से वो दरवाज़ा खटखटाती और आवाज़ें देती है कि मुझे बाहर निकालो हर कोई डरता था कोई डर के मारे उस कमरे के पास से भी नहीं गुजरता था एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम लोगों की वहाँ पर जो रिसेप्शन पर स्टाफ था जो नर्सिस काम किया करती थी उसके कमरे की बैक साइड वाले ट्रक के पास वो लोग धूप में बैठी हुई थी दिन का टाइम था उन लोगों की नज़र जब उस कमरे में पड़ी वो लोग आपस में बातें कर रही थी कि यहाँ से रात रात भर चीखें सुनाई देती हैं जबकि वो मर चुकी है तो लोगों ने उसी कमरे की खिड़की में उसी को दोबारा खड़े देखा सब चीखें मारती चिल्लाती हुई वापस हॉस्पिटल में भागी और उन लोगों ने यह बात जाकर सबको बताई हम लोगों को भी बुलाया गया उसके कमरे का जब दरवाज़ा खोला गया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था कमरे की लाइट जल रही थी और उस कमरे की दर दीवार के ऊपर आज भी भयानक तस्वीरें बनाई गई थी वो किसने बनाई कोई नहीं जानता जो पहली तस्वीरें बनी हुई थी उनके अलावा भी नई तस्वीरें बनाई गई थी हर कोई डरने लग गया कि पता नहीं यहाँ पर क्या माज रहा है वो तो मर चुकी है फिर वो कैसे दिखाई दे सकती है वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उन लोगों ने एक फादर को बुलाया जब वो आए वहाँ पर उन्होंने जैसे ही आकर उसके कमरे का विज़िट किया उन सारी तस्वीरों को देखा उस दरक़्त को देखा तो उनका ये कहना था कि वो जो औरत थी उसके ऊपर किसी शैतानी कुत का बसेरा था एक ऐसी ईवल स्पिरिट थी जो उसके ऊपर हावी थी उस ईवल स्पिरिट के ही जरे असर उसने अपने बच्चों को भी जलाया था और वो पागल हो चुकी थी उसने कोई ऐसा ब्लैक मैजिक किया था कि उस जादू की वजह से वो पागल हो चुकी थी और वही मखलूक उसके ऊपर हावी थी वही मखलूक वही बरे मखलूक उसका रूप लेकर वहाँ पर दिखाई देने लग गई उसका बसेरा उस कमरे में भी था वो जो फ़ादर थे उन्होंने ये कहा कि इस कमरे को बंद कर दिया जाए और इस कमरे में कोई भी ना आए उन्होंने उस कमरे के बाहर एक धागा बांध दिया और यह कहा कि इस धागे को कोई भी ना खोले जो कोई भी इस धागे को खोलेगा वो मारा जाएगा क्योंकि यहाँ पर उस शैतानी कुत का बसेरा हो चुका है वो चाहे तुम लोगों को जितनी मर्ज़ी आवाज़ें देती रहे अपने पास बुलाने की कोशिश करे या रोए भी तो आपने इस कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलना एक दफ़ा ऐसा ही हुआ बहुत ज़्यादा शोर उस कमरे से सुनाई दे रहा था उस कमरे में उसके रोने की आवाज़ें गूंज रही थी वहाँ पर बहुत सा नर्सिंग स्टाफ बहुत से लोग काम करने से इनकार कर चुके थे देखते देखते वहाँ पर बिल्कुल स्टाफ कम हो गया हम लोग सिर्फ चार सिक्योरिटी गार्ड रह गए हम लोगों को भी बहुत डर लगता था हम लोगों की जब नाइट शिफ्ट होती थी तो हम लोग हॉस्पिटल के उस वार्ड की तरफ जाते ही नहीं थे जिस तरफ उसका वो कमरा होता था क्योंकि पहले वो कमरे के अंदर दिखाई देती थी शोर मचाती थी लेकिन एक से दो बार उसको उस कमरे के बाहर उस ट्रक के नीचे भी देखा गया हम लोगों को उस ट्रक की तरफ से कोई आवाज़ें दे रहा था हम लोग जानते थे कि वो दरख्त उस कमरे के बाहर ही है उस तरफ तो कोई जाता नहीं था फिर हम लोगों ने एक औरत को देखा वो हम लोगों के गेट के पास आई और आकर हमें आवाज़ें देकर रोने लगी और ये कहने लगी कि मेरी हेल्प करो जब हम लोग उसको अपने साथ लेकर डॉक्टर के पास अंदर जाने लगे तो वो हम लोगों के सामने उस रख के पास गई और ग़ायब हो गई बस उसके बाद हम लोगों ने भी वहाँ पर काम करने से इनकार कर दिया हर कोई उस मेंटल असाइलम के नाम से भी डरने लग गया देखते देखते वहाँ पर अजीबोगरीब वरीब होना शुरू हो गए बहुत से बहुत सी मेंटल जो वहाँ पर पेशेंट फीमेल्स आती थी उसी दरख़त पर मुर्दा पाई जाती थी उनको कोई वही मखलूक जो वहाँ पर मौजूद थी वो इवल स्पिरिट, उनको जान से मारने लग गई जब वहाँ पर ये वाक़ ज़्यादा हद तक भरने लगे तो उस मेंटल असाइलम को ख़ाली कर गया कर दिया गया वो मेंटल असाइलम एक जीती जागती खौफ की तस्वीर बन गया रिचर्ड कहता है तीन साल तक वहाँ से हम लोग उसके बारे में मालूम लेते रहे कि वहाँ पर क्या मामला हैं वहाँ पर जो करीब करीब आबादियाँ थी जो वहाँ पर लोग आबाद थे वो यही कहते थे कि इस मेंटल असाइलम में बहुत सी औरतें दिखाई देती हैं कोई कैसे कहता है कि ये ख़ाली हो चुका है यहाँ पर हम लोग ख़ुद औरतों को देखते हैं वो बहुत ड्रामनी होती हैं वो अक्सर दिखाई देती हैं कभी वो मेंटल साइलम के गेट के पास खड़ी होती है तो कभी उसके अंदर उनके चीखने और रोने की आवाज़ें आती हैं यहाँ तक कि रात के वक्त अगर उस रोड से कोई गुज़रता भी था तो वो उसको भी आवाज़ें देती थी रिचर्ड मुझे भी वहाँ पर लेकर गया मैंने भी उस जगह को बाहर से देखा था लेकिन हम लोग दिन के टाइम गए थे उसको देख ही खौफ महसूस होता था ऐसा लगता था कि जिस तरह से आपको कोई वहाँ से देख रहा है उसके दरो दीवार बहुत ज़्यादा पुरसरार और खौफनाक हो गए थे दोबारा कभी भी कोई उस तरफ नहीं गया ना ही किसी कभी किसी ने जाने की हिम्मत की उस खौफनाक पागलखाने को देखने के लिए पहले दूर दूर से लोग आते थे लेकिन जब वहाँ पर कुछ लोगों के साथ कुछ वाक़ात हुए लोग डरने लग गए फिर उस रास्ते को ही लोगों ने छोड़ दिया शाम होते ही वो रास्ता अंधेरों में और खौफ में डूब जाता था लेकिन वहाँ पर मौजूद वो खौफनाक मखलूक़ात वो इवल स्पिरिट्स चीखती, चिल्लाती और शोर बचाती थी ये मेरे दोस्त ने मुझे कहानी सुनाई और इस जगह को जाकर मैंने पर्सनल विज़िट भी किया वो बहुत खौफनाक मैं नेंटल असाइलम था रिशर्ड अक्सर बताता था कि जब हम लोग वहाँ पर काम करते थे उस औरत के मरने के बाद हमें बहुत डर लगता था हमें हर वक्त ऐसा महसूस होता था कि अभी किसी लम्हे कुछ हो जाएगा अभी वो किसी जगह से हमें नज़र आ जाएगी या किसी जगह से हमें वो आवाज़ देने लग जाएगी तो ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता मैंने उस जगह को देखा और उस जगह के खौफ को भी महसूस किया लेकिन जब मेरा दोस्त मुझे वो सारी कहानी सुना रहा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था ये मेरी एक स्टोरी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की बहुत शुक्रिया हमसा आपका जिससे ये थी आज की खौफनाक कहानी अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें आप लोगों को कैसी लगी आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी आई डी नशीर फिफ्टी पर इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं हॉर स्टोरीज ऑफिशियल तो पर आज मैं बहुत हॉर स्टोरी ऑन ऑनियर करी हूँ उसको भी जाकर विजिट करें आप लोगों को बहुत पसंद आएगी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा नीला वॉइस ऑफिशियल मेरी सिस्टर का चैनल है उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें जहाँ रहे खुश रहे थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे बेस्ट अल्लाके बन